हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और हमने वो कंप्लीट कर लिया था और बैक एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट कर ली थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं वीडियो का पूरी प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, तो उसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे हमने पिछली बार प्लांट्स करा था, तो इस बार एनिमल्स करेंगे, जिसमें ह्यूमंस डाइजेशन सब इंक्लूड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पहले इंट्रोडक्शन आया है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने ये पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में कि प्लांट्स खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स लेक। पर एनिमल्स में ह्यूमन भी इंक्लूड होते थे, वो खुद से नहीं बना पाते हैं, और वो दूसरे प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे फूड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि कैसे लायन डियर को खाता है, पर डियर प्लांट्स को ही खाता है बेसिकली। तो इनडायरेक्टली जो लायन है डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए। सो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस और सारे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की और फूड की, ताकि वो अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू कर सके। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, और कैसे किस मोड, मतलब कैसे अपना फूड इंटेक करते हैं, और वो फूड कैसे उस वो उनकी बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द कॉम्प्लेक्स और द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. ये एक important definition है जो आपके exams में पूछी जा सकती है, what is digestion? तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। जैसे complex substances, जैसे हमने पढ़ा था कि plants photosynthesis की मदद से food बनाते हैं, जो carbohydrates के form पे store हो जाता है। तो जो वो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उसको यूटिलाइज मतलब बॉडी को उसको यूज करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनको सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी होता है, और इसी डिवीजन को हम डाइजेशन कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या है, ये आपकी बुक में भी लिखी है, तो आप इसको यहीं से कॉपी कर सकते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये डायग्राम इसके साथ अगर आप बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स पक्का है। क्या है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैसे, क्योंकि ये एक साथ बंधे हुए हैं। अगर कोई आपको बांध के रख देगा तो आप सोचोगे आप फ्री नहीं हो, आप एकदम कॉम्प्लेक्स, बेसिकली इनकी भाषा में कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ जोड़े रखना, एक चेन जैसे, और इनको अगर ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे फ्री हो जाएंगे। सो ये सिंपलर सब्सटेंसेस है, और फिर प्लांट्स इनको, ह्यूमंस इनको इजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगे डाइजेशन की मदद से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब है इसमें द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे कि आपने कभी हमिंग बर्ड देखी होगी, उसकी बहुत लंबी बीक होती है, और वो जनरली सक करती है जो नेक्टर होता है प्लांट्स का, फ्लावर्स का नेक्टर। और इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस बेसिकली जो स्मॉल बेबीज होते हैं, जैसे 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के बेबीज होते हैं, तो वो अपने मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है,
तो स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जैसे आपने देखा होगा जैसे स्नेक्स वगैरह हैं वो जनरली माउस इन सबको स्वॉलो करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। जैसे ये हनी भी है, ये अपने बीच से ये हनी हनी इन द सेंस ही नेक्टर जो फ्लावर्स है उसको सक करती है, वैसे ये जो एक्वेटिक फिशेज है ये एक्वेटिक प्लांट्स में जो टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं ये उनको कंज्यूम करके अपना लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो अब ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है जो आपकी बॉडी बुक में है और ये बहुत एग्जाम में भी आ सकता है आपके। तो ये है स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे। ये अभी इतना साइंटिफिक जाने की जरूरत नहीं है पर मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ इसका है CaCO3। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। देखिए कितना अमेजिंग फैक्ट है। जैसे हम ह्यूमंस का जैसे स्टमक एक जगह पे फिक्स्ड है, वो बाहर नहीं निकल सकता, पर स्टारफिश में ऐसी एबिलिटी है कि जैसे कोई हार्ड शेल के अंदर कोई एनिमल होगा, जैसे बहुत सारे स्नेल्स हो गए उनके बाहर आउटर शेल्स है और जब वो डर जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए वो शेल के अंदर जाते हैं, तो उसी को निकालने के लिए जो शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो टूट नहीं सकता, तो उसी शेल को बाहर निकालने के लिए जो स्टारफिश होती है वो अपना जो स्टमक है वो अपने माउथ से बाहर निकालती है और फिर वो सॉफ्ट एनिमल को जो शेल के अंदर है उसको कंज्यूम करके फिर वो वापस स्टमक बॉडी के अंदर जाता है और फिर जो फूड है स्लोली डाइजेस्टेड होता है। इतना अमेजिंग फैक्ट है कि स्टारफिश ही एक है जिसमें एबिलिटी है अपना स्टमक बाहर निकालने का थ्रू माउथ, पर ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन में जो स्टमक है वो एक जगह पे फिक्स्ड है और वो नहीं निकल सकता बाहर। ठीक है, सो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि विच एनिमल हैज द एबिलिटी टू पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर था और क्योंकि अगला जो टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं अगर उसको अभी पढ़ाऊंगी तो आपको एकदम कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि एकदम नए वर्ड्स है, तो इसलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।